मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनहित के कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। इसी कड़ी में जल्द ही राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगने जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने हाल ही में हुई प्रेस वार्ता में इस कैंप के बारे में मीडिया से खुलकर बात की और बताया कि क्या क्या सुविधाएं आम जनता को इस कैंप के जरिए मिलेगी। लेकिन जब उनसे पायलट के अनशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सिरे से सवाल को टाल दिया और कहा कि मेरा लक्ष्य फिलहाल महंगाई से राहत दिलाना और सेवा करना है, लेफ्ट राइट कहीं मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो मेरी प्रायोरिटी। अगर किसी प्रदेश के छात्र युवा शिक्षा और उनको आप स्वास्थ्य सेवा दे दीजिए हमारी पॉपुलेशन को, तो बाकी काम सभी हो जाएंगे। मानव संसाधन बनता है, उम्र बनता है उस राज्य का, तो आराम से फिर आप क्या है वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सब हमने सेक्टर चुना है सोशल सिक्योरिटी सेक्टर, जिसमें बहुत महत्व दे रहा हूँ। मालूम है मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि आज दुनिया के मुल्कों के अंदर जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी में हर परिवार सुरक्षित है, जो निजी परिवार है, मैं चाहूँगा इस देश के अंदर भी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिक्वेस्ट की है, आपको चाहिए जो मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी लेके आई थी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी ढंग से एक्ट बनाओ आप पूरे देश के लिए। अब मेरा लक्ष्य 2030 इतने महंगे दार पैदा करना है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समझ में आपको कौन क्या कर रहा है सपोर्ट मतलब हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। अभी AICC ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारा लक्ष्य वही है सेवा करने का, हमारा लक्ष्य वही महंगाई रहा, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं महंगाई रहा, उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट आते नहीं ना जाएगा। जो कैंप लगा रहे हम लोग उसमें हमें जाने खुशी होगी कि पूरा रोड मैप बन चुका है और बजट और जो बात की जा रही है महंगाई की और राहत की, इसके आधार पर ही हम चाहेंगे कि पहले 700 कैंप लग रहे हैं, 700 शुरू होंगे कैंप और 2700 कैंप लगेंगे टोटल। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और प्रशासन गाँव के संग शहरों के संग के साथ साथ में ये कैंप महंगे इलाज के अलग लगेंगे हमारे पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अभियान से राजनीतिक पार्टी या किसी कोई पार्टी कार्यकर्ता जुड़ेंगे, लोगों को इतना करेंगे, लोग आके वहाँ पर रात लेंगे महंगे रात, महंगाई इतनी भयंकर है जिसके लिए राहुल गांधी की यात्रा निकल गई 3,500 किलोमीटर की। महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी की खाई, यही मेरी थीम रही बजट के अंदर भी। उस थीम को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ और बजट पेश मैंने किया है, तमाम वो स्कीम आई है इसके अंदर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कैंप लगातार चलेगी, बंद नहीं होने वाले। ये 2700 कैंप मैंने कहा है आपको, ये तो 2 महीने चलेंगे। कुछ कैंप ऐसे हैं वो परमानेंट चलेंगे, हम चाहते हैं पूरे कंट्री में कम से कम जो निजी लोग हैं ओल्ड एज में उनके परिवार की स्थिति नहीं होती है पालने पहुँचेंगे बूढ़े लोगों को, मजदूरों को, उन्हें भी काज नहीं कर सकता है, उनको सबको सिक्योरिटी मिले। पूरे कंट्री में एक ही पेंशन है, एक ही पेंशन है, हर परिवार का कम से कम कॉन्फिडेंस रहे, हमें जिंदगी में बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आए, ये कॉन्फिडेंस हर नागरिक को होना चाहिए। मैं क्यों करता हूँ बार बार ये ओबीसी की बात क्यों करता हूँ, 35 साल की नौकरी में वो सोचे पता नहीं बुढ़ापे के अंदर शेयर मार्केट ऊपर जाके नीचे जाएगा, उस चक्कर में वो आदमी क्या काम करेगा, करप्शन भी करेगा,
तब ने इतना बड़ा फैसला किया ओपीएल के, बहुत आदर्श हो रही मेरे बालों में। सारे इकोनॉमी जो है अच्छे अच्छे वो आर्टिकल लिख रहे मेरे खिलाफ में, मेरा मतलब सरकार के खिलाफ में। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, वक्त बदल गया है, हमें हर नागरिक को प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं। मिशन 30 का मतलब क्या है? यही मतलब है हम नंबर वन बने देश के अंदर, के राजस्थान के अंदर जो मैं बातें बोल रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो। हेल्थ को लेकर के लिए आर्टिकल बड़ा मैंने अमेरिका में किया, इकोनॉमिस्ट है जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, राइट टू हेल्थ की उन्होंने खूब आलो से जम के करी है। यही फर्क होता विचारधारा का, ये लड़ाई विचारधारा की भी है, लड़ाई राइट और लेफ्ट की भी है। हमें उसको समझना पड़ेगा कि सोच क्या व्यक्ति की, लेकिन आज हमारी बीजेपी के दुश्मन थोड़ी हुई, संघर्ष है विचारधारा का संघर्ष। इतने में कहना चाहूँगा कि हमने जो तय किया है उसी रूप में आज हमने तय किया है 2030 मिशन लेके चले, नंबर वन रहे रास्ता हूँ देश के अंदर, बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाए तो GDP बढ़ते टाइम नहीं लगता है। हर सेक्टर में किसान है, मजदूर है, सर्विस क्लास है, सब सोच रहे हैं हमें हमारी प्रदेश की मिशन 2030 को कामयाब करना है, तो आश्चर्य की बात नहीं है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।